सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागत। मित्रों, रचनानुवाद कौमदी की लाइव कक्षा संख्या 141 को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। 140 कक्षाएं आपको पढ़ा दी है मैंने, ठीक है। और इस कक्षा का उद्देश्य है कि करोड़ों की संख्या में संस्कृत के विद्वानों को तैयार करना। गत कक्षा में मैंने आपको ये पूरा 53वां जो अभ्यास था इसका जो पढ़ाने वाला पाठ था, पूरा शब्द रूप धातु रूप आदि और ये नियम थे ये सारे आपको विस्तार से पढ़ा दिए थे और निर्देश चिन्ह भी आपको बता दिए थे। अब आज की कक्षा में इसके अंदर जो गृह कार्य दिया है डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने, उसको देखते हैं, वो आपको देना है, ठीक है। सबसे पहले है यहां पर उदाहरण वाक्य नंबर 1, आइएगा। गुणिनाः धनिनाः ज्ञानिनाः कुशलिनाः दूरदर्शिनश्च सर्वेपि अस्मिन् नगरे वसन्ति। सरल, आप समझ गए होंगे। गुणी लोग, धनी लोग, ज्ञानी लोग, कुशली लोग, कुशलिन, दूरदर्शी लोग, सभी लोग इस नगर में रहते हैं, ठीक। 2, ब्रह्मचारिणः वानप्रस्था संन्यासिनश्च अस्मिन् आश्रमे सन्ति। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी च माने और सन्यासी लोग इस आश्रम में हैं, निवास करते हैं। 3, गृहिणो गृहे वर्तन्ते। क्या है जो गृहिण माने गृहस्थी लोग घर में हैं, ठीक है, घर में रहेंगे गृहस्थी लोग। 4, अत्याचारिणाम दुराचारिण दुराचाराणाम च संगतिम कदापि न कुरु। अत्याचारी और दुराचारी लोगों की संगति कभी मत करो। 5, एषा जनो दुखिता क्षुधितश्चास्ति। यह व्यक्ति या जल व्यक्ति दुखी और भूखा है। 6, राजा पृथ्वी भुनक्ति भुनक्तु अभुनक भुंज्यात भोक्षति वा। ये क्या है, पालन अर्थ है, प्रश्नपदी है, इसलिए क्या अर्थ होगा। राजा पृथ्वी का पालन करता है अथवा पालन करे अथवा पालन किया अथवा पालन करना चाहिए अथवा पालन करेगा, ठीक। 7, बालको भोजनम भुंते भुंताम अभुंता भुंजीता भोक्षते वा। ये आत्मनेपदी है तो खाने अर्थ में हो गया। बालक भोजन को खाता है अथवा खाए अथवा खाया अथवा खाना चाहिए अथवा खाएगा, सरल है। 8, अहम भोजनम भुंजे भुंजीयवा। मैं भोजन को खाता हूं अथवा मुझे भोजन खाना चाहिए। 2 का है लटका और बिगलिंग का, ठीक। ये उदाहरण वाक्यों के द्वारा इन्होंने समझा दिया आपको, सरल है। अब आपको कोई कठिनाई नहीं होती है, आराम से अर्थ तो मैं बताता हूं, यदि नहीं बताऊं तो भी आप आराम से समझने के लायक, समझने में समर्थ हो चुके हैं, ठीक है, चलिएगा। अब इसके अंदर ये वाक्य दिए हैं, संस्कृत बनाओ, ये आपको दे रहे हैं 22 वाक्य, बनाने मिलान में कराऊंगा वीडियो में, ठीक है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, ठीक है, देखिएगा, आइएगा, इनको भी दिखा देते हैं आपको। नंबर 1 है ये राजा राज्यस्य भुनक्ति, तो ये गलत है, राज्यम होगा, राजा राज्यम भुनक्ति, द्वितीय होगी कर्म है, भोजति अभोजत, तो ये गलत है, क्या होगा, भुनक्ति अभुनक, ऐसा रूप होगा। 3, भोजते भोजसे अभोजत, ये भी गलत है, क्या होगा, भुंगते भुंगशे अभुंगता, आत्मनेपद में ऐसे बनेंगे, ठीक है, चलिए। थोड़ा सा कार्य और दिखा रहे हैं, ये खा, ये जो खा है आपका, यहाँ 15 से लेकर के 22, मतलब
आठ वाक्य हैं आपके, कितने आठ, तो आठ वाक्यों को लोट में, लंग में, विधिलिंग में और लिट में बदलना है, तो इसको भी बदलना है, ठीक है, इसका भी मिलान कराएंगे आपका, बदलिएगा पहले लिखिएगा। हाँ, भुंज धातु के दोनों पदों के दसों लकारों के रूप लिखो तो देख करके लिखिएगा, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाने वाली कक्षा में बता दिया था। तद्धित इनी ठन और इतच प्रत्यय लगाकर पांच पांच शब्द बनाओ, तो वहां शब्द दिए उन्हीं को बनाइएगा आप, या पीछे सूची दी है उसमें देख लीजिएगा प्रत्ययों की, ठीक है। निर्देश चिन्हों को उदाहरण देकर समझाऊं, निर्देश चिन्ह जो इसमें आपको दिए थे मित्रों, ये मैंने समझाई दिए हैं आपको अच्छी प्रकार से, और थोड़ा सा आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैंने तो समझा दिया पढ़ाने वाली कक्षा में आपको, ठीक है। बस आपको भी क्या समझाना है, ये कोई कार्य नहीं है, वास्तव में आपको स्वयं समझना है, समझाना नहीं है, समझना ही है, ठीक है, समझ लीजिएगा इसको। ये हो गया, नीचे आपका वाक्य बनाओ, ये शब्द दिए इनके साथ में आपको वाक्य बनाना है और स्वयं ही आपको मिलान करना है, मैं मिलान नहीं कर सकता हूं, सब लोग अपना अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, आपको स्वयं ही मिलान करना है। रिक्त स्थान भरो, इसको मैं मिलान कराऊंगा आपको, इसको आप कीजिएगा, तो ये आपका गृह कार्य है इस अभ्यास का, इसको कीजिएगा, फिर हम उत्तर पत्रिका की वीडियो में आपसे मिलते हैं और फिर आगे के अभ्यास में पढ़ाने वाले में 54वें अभ्यास को पढ़ेंगे, ठीक है, निरंतर बढ़ते हैं, समाप्ति की ओर चल रहा है, अब जल्दी से समाप्त हो ही जाएगा आपका ये, ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।